वैभव। तो देखते हैं 20-25 पैरों का रनअप लेते हुए हमसे दूर भागते हुए आसिफ बागा। पहली गेंद अपने रनअप में थोड़ा चुकते हुए सॉरी तो आसिफ अपने रनअप में चुकते हुए सॉरी माय मिस्टेक राइट आर्म मोड़ते विकेट वैभव के लिए। पहली गेंद ब्लॉक होल में गेंद और ऐसे खतरा हो सकता था लेकिन एक ही रन से संतु दोनों बल्लेबाज इसे एक रन से खाता खुलता हुआ अपने टीम का और वैभव का। आप जाके स्ट्राइक पे पहुंचे हैं योगेश एक अच्छे बल्लेबाज है। फिर से एक बार आसिफ योगेश के लिए पटकी भी गेंद उसे शॉर्ट आर्म पुल किया है और सक्सेसफुल भी क्या रन। जैसे देखा काफी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी उसे उठाकर मारा सीधा चार रनों के लिए। किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था इसे चार रन से स्कोर जा पहुंचा 5 रन। फिर से एक बार योगेश फिर से टप्पा करने के बाद गेंद काफी नीचे तरफ रही और योगेश उसे समझ ना पाए। स्कोर अभी भी रुका हुआ 5 रनों पे। एक चौका खाने के बाद बढ़िया वापसी करते हुए आसिफ तासिफ फिर से एक बार राइट आर्म मोड़ते विकेट ढूंढना चालू किया योगेश के लिए योगेश बिल्कुल तैयार। फिर से शॉट ऑफ गेंद लेकिन गेंद डिक्लेयर छोड़ में जाती हुई इसे एक रन से स्कोर जा पहुंचा 6 रन। अभी तक बांध के रखा योगी जैसे अच्छे बल्लेबाज को आसिफ ने एक चौका खाने के बाद बढ़िया वापसी करते हुए और आसिफ की एक खासियत रही है भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें करने में माहिर है। तो योगेश देखते हैं इस गेंद पे क्या कर पाते हैं। योगेश तो आसिफ फिर से एक बार ढूंढना चालू किया योगेश के लिए फिर से शॉट गेंद लेकिन काफी बाहर कर बैठे और इस अतिरिक्त रन से स्कोर जा पहुंचा 7 रन। काफी खराब गेंद में कहूंगा आसिफ द्वारा ज्यादा पटकने की कोशिश कर रहे आसिफ लेकिन योगेश इनको कौन भूल सकता है। फिर से शॉट गेंद और इसे पॉइंट के क्षेत्र में ढकेलते हुए डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई इसे 1 रन से स्कोर जा पहुंचा 8 रन। तो आउटफील्ड काफी खराब होने की वजह से बल्लेबाज को पूरी तरह से मौका नहीं दिया जा रहा है यहां पे आसिफ ने। फिर से एक बार योगेश के लिए शॉट गेंद उसे उठाकर मारा है गेंद सीधी 6 रन के लिए बढ़िया शॉट। थैंक यू डीजे थैंक यू। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 14 रन।
और अब दूसरी ओर का भार संभालने गेंदबाज आसिफ जूनियर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट मारा करने ले आए नए गेंदबाज आसिफ जूनियर। तो स्ट्राइक पे है वैभव। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, उसे समझ ना पाए और खतरा हो सकता है। यहाँ पे निशाना चूकता हुआ, मुकद्दर रुकता हुआ यहाँ पे आसान सा विकेट गवाते हुए। इसे एक रन से स्कोर जा पहुंचा 15 रन। काफी वेरिएशन वाले गेंदबाज है आसिफ जूनियर। तो योगेश कुक ने फिर से एक बार तैयार और यहां पे बहुत ही बढ़िया गेंद मैं कहूंगा। काफी बढ़िया गेंदबाजी यहां पे देखने मिल रही है आसिफ जूनियर द्वारा। अभी भी स्कोर रुका हुआ 15 रनों पे। फिर से एक बार आसिफ जूनियर योगेश के लिए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। और यहां पे गेंद को भेज दिया तारामंडल में 6 लोग लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट। इसे 6 रन से स्कोर जा पहुंचा 21 रन। क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे योगेश, अच्छी गेंद, खराब गेंदों को सम्मान दे रहे और बुरे गेंदों को सीधा बाउंड्री पे भेज रहे। इस वक्त बहुत ही बढ़िया कैच सरफराज भूरे द्वारा और बड़ा झटका लगता हुआ विस्फोट गवार को। तसेच मानुली संघाचा कर्णधार तसेच आई गावी देवी कोलुली संघाचा कर्णधार इथे यायचं आहे। तो एक सिक्सर खाने के बाद बढ़िया वापसी करते हुए आसिफ जूनियर। तो आसिफ जूनियर टू योर वैभव। फिर से भूल भूल या वाली गेंद, बढ़िया वापसी में कहूंगा आसिफ जूनियर द्वारा। फिर से एक बार आसिफ जूनियर वैभव के लिए दौड़ना चालू किया और शॉट ऑफ गेंद, उसे उठाकर मारा है। क्या गेंद, 6 रनों के लिए, ओहो बहुत ही बढ़िया शॉट। इसे 6 रनों से स्कोर जा पहुंचा 27 रन। काफी बढ़िया शुरुआत मैं कहूंगा मिड स्पोर्ट कवर द्वारा, बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक कर रहे हैं। अब तीसरी ओर का भार संभालने गेंदबाज सरफराज भूरे।
सरफराज भूरे टू विशाल। तो देखते पहली गेंद राइट आर्म होल्ड द विकेट, दौड़ना चलो गया हमसे दूर भागते हुए विशाल के लिए। और यहाँ पे काफी बढ़िया गेंद मैं कहूंगा, टप्पा गिरने के बाद काफी नीचे तरफ रही और डिक्लेयर जोन में गेंद जाते हुआ एक ही रन से संतुष्ट, इसे एक रन के स्कोर जा पहुंचा 28 रन। तो फिर से एक बार सरफराज भूरे विशाल के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। और यहां पे इस बार भी डिक्लेयर जोन में गिन जाती हुई इसे एक रन से स्कोर जा पहुंचा 29 रन। अभी भी कुछ गेंद आना बाकी है, अगर इस कुछ गेंद आने वाले में एक या दो सिक्सर लगता है तो स्कोर डेंजर जोन में जा सकता है। तो सरफराज भूरे हमसे दूर भागते हुए विशाल के लिए फुल टॉस गेंद, उसका पूरे पूरे फायदा नहीं उठा पाए और गेंद एक रन तो बना चुके हैं, दूसरे रन का कोशिश हा ना हा लेकिन एक ही रन से संतुष्ट उन्होंने बल्लेबाज सुरक्षा अपने स्क्रीन में, इसे एक रन से स्कोर जा पहुंचा 30 रन। काफी बढ़िया गेंदबाजी में कहूंगा सरफराज भूरे द्वारा, अपने पेस के रफ्तार से बीट कर रहे हैं बल्लेबाजों को, काफी बढ़िया गेंदबाजी में कहूंगा। अभी तक बांध के रखा है पूरी तरह से, लेकिन आप जाके स्ट्राइक मिली है वैभव को, यहां पे रन अप में थोड़ा चुकते हुए तो वैभव पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। तो देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी कर पाते हैं। तो सरफराज फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट फुल टॉस गेंद, उसका भी पूरे पूरे फायदा ना उठा पाए और गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई और यहां पे नो करार दिया है अंपायर। प्लीज अंपायर से कोई बात ना करनी है सरफराज, आप एक अच्छे खिलाड़ी हो। हमारे कमेटी का कहना है अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। तो सॉरी अंपायर से मिस्टेक हो सकती है, हेलो। तो अंपायर इज द मेन जज, तो गलती तो भगवान से भी हो सकती है, ये तो इंसान है, आप थोड़ा समझ के लो। तो सरफराज हमें थोड़ा सहयोग करना है, इस गेंद पे कितने रन बने हमें बताना है प्लीज। और एक गेंद नो दी जा रही है, तो इस गेंद पे कितने रन बने हैं हमें बताना है।
तो मैच को स्टार्ट करना है। क्या ये फ्री रहेगा? तो 32 रनों पे अभी स्कोर रुका हुआ। सरपंच फिर से एक बार तैयार वैभव के लिए। तो सरपराज हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट वैभव के लिए। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद, टप्पा गिरने के बाद काफी नीचे तरफ रही और समझ ना पाए वैभव उसे, गेंद डॉट के स्वरूप में। स्कोर अभी भी रुका हुआ 32 रनों पे, अभी भी कुछ गिनाना बाकी है। तो देखते हैं इस आने वाले गेंदों में कितने रन बना पाती है मिड स्पोर्ट कवाड़। तो स्ट्राइक पे है वैभव, फिर से एक बार सरपराज भूरे दौड़ना चले गया और यहां पे दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप को चीरती हुई गेंद अतिरिक्त के स्वरूप में एक रन बनता हुआ इसे एक रन से स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। तो सरफराज अपनी दिशा से भटकते हुए तो वैभव टू सरफराज, फिर से एक बार और पिच गेंद और शूटर मारे बहुत ही बढ़िया शॉट। ओहो मजा आ गया। इसे 6 रन से स्कोर जा पहुंचा 39 रन। काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे सरफराज, लेकिन एक गेंद खराब कर बैठे और नतीजा 6 रन मिला। अभी भी कुछ गेंद आना बाकी है सरफराज द्वारा। फिर से एक बार वैभव तैयार, फिर से एक बार फुल पावरफुल सक्सेसफुल वंडरफुल डिलाइटफुल और 6 रन बहुत ही बड़े शॉट। हॅलो, तर यानंतर सामना होणार आहे मानवली वरच्या कोलिवली, तर कोलिवली संघाचा कर्णधार आला आहे, तर मानवली संघाचा कर्णधार कुठे असेल ते त्वरित संपर्क साधायचा आहे। मी रमेश भोईर यांना विनंती करतोय की त्यांनी टॉस उडून घ्यायचा आहे। आई गावदी कोल्ली स्पोर्ट आणि श्रीकृष्ण मानुली यांच्यामध्ये टॉस होत आहे, टॉस करतायत। मी कॉल येतोय जेबी पारे, श्रीकृष्ण मानुली यांनी टॉस पण जिंकलेला आहे आणि आपण काय करू इच्छिता? फिल्डिंग। फिल्डिंग तुमच्यामध्ये कोणकोणते गोलंदाज आहेत ते कमीत कमी धावा रोखू शकतात? आशिष आहे, विपुल आहे आणि मी स्वतः। थँक्यू। मी गावदी कोळी वैभव बोल।
तुम्ही किती धावा करू शकता? असे कोणकोणते पर्यंत आहे तुमच्यामध्ये ते एवढे दावा करू शकतात? पुनीत आहे, विकी आहे, कुमार आहे, भरपूर आहेत असे प्लेयर, त्यांच्याकडून आशा पण आहे आणि चांगलं खेळावं असं वाटतंय मला. आणि या आयोजन नियोजनाबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? चांगलं आयोजन आहे, मस्त टुर्नामेंट ठेवली आहे आणि आम्हाला संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद त्यांचे. थँक्यू थँक्यू. आणि टॉस जिंकलंय ते श्रीकृष्ण मानवली संघाने आणि चॉईस केलंय ते फिल्डर्स. बॅक टू द कॉमेंट्री बॉक्स. तर आम्हाला इतर लाईव्ह टेलिकास्ट चालू आहे तर आम्हाला भरभरून शुभेच्छा येत आहेत निखिल पाटील आणि निखिल जोशी आणि मनीष पाटील यांच्याकडून काल्लेरवरून शुभेच्छा येत आहेत. खूप खूप धन्यवाद. आणि ते सामना चालू होत आहे तर स्ट्राईक पे रविश बॉन्ड. तर पहिली गेम दिशा से भटकते हुए तो रविश बॉन्ड एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके पास काफी एबिलिटी है, क्षमता है ऊंचे ऊंचे स्ट्रोक खेलने की. तो देखते हैं इस मैदान में क्या कर पाते हैं. अगर उनको इस मैच को जीतना हो तो ऊंचे स्ट्रोक खेलना जरूरी है. काफी स्कोर भी काफी बड़ा है. फिर से एक बार विजेंद्र फुल टॉस गेंद और इसे मिस कर बैठे और यहाँ पे बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ रविश बॉन्ड के. तो बड़ी मछली जाल में फंसती हुई रविश बॉन्ड और उनकी जगह लेने आए नए बल्लेबाज अरबाज. ये भी काफी हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है लेकिन उतनी चतुराई भरी गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं विजेंदर. फिर से एक बार राइट आर्म और दो विकेट अरबाज के लिए और यहां पे उठाकर मारा है सीधा 6 रन. ओहो क्या शॉट है, ताकत को नजाकत जाता है शॉट में. और क्या शॉट खेला है अरबाज ने. मैंने पहले कहा था अरबाज एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है जो कभी भी मैच को पलटवार कर सकते हैं. तो अंपायर क्या डिसीजन जरा बताने हमें. तो कवर टीम को 2 रन की पेनल्टी दी जा रही है यहां पे. आप कमेंट से बात कर सकते हैं, जो हमें यहां पे बोला बोलने दिया जा रहा है वही हम बोल रहे हैं. यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे बहस ना करें प्लीज और हमें सहयोग करना है. तो 2 रन की यहाँ पे पेनल्टी दी जा रही है.
सूरज कूल डाउन सूरज तेरे तुम्ही भान ठेवलं पाहिजे तो इसे दो रन्स के दो रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है सात रनों पे अभी स्कोर रुका हुआ फिर से एक बार विजेंद्र तैयार अरबाज के लिए फुल टॉस गेम और यहां पे एक रन तो बनाए दूसरी कोशिश हाँ ना चलता हुआ दूसरी रन भी आसानी के साथ पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने स्क्रीन में इसे दो रन से स्कोर जा पहुंचा आठ रन नौ रन स्कोर अभी भी रुका हुआ नौ रनों पे अभी थी अभी कुछ गिन आने बाकी विजेंद्र राइट आर्म ओवर द विकेट अरबाज के लिए और यहां पे उठाकर मारने की कोशिश एक रन तो बना दूसरे की कोशिश नहीं की जा रही है खराब फील्डिंग मैं कहूंगा सूरज द्वारा एक अच्छे खिलाड़ी है काफी उम्मीद है उनसे एक अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं लेकिन काफी खराब फील्ड इस वक्त सूरज द्वारा फिर से एक बार विजेंद्र तैयार आप जाके स्ट्राइक भी दे सरफराज सरफराज टू विजेंद्र हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना चालू किया और यहां पे गेंद को खींच लिया मानो एक रन तो बना दूसरे की कोशिश यहां पर नहीं की जा रही है एक ही रन से संतुष्ट इसे एक रन से स्कोर जा पहुंचा 11 रन उनके सामने महापुल के महापुल टीम के सामने एक विशाल स्कोर बना चुके हैं मिसफुट कवार तो फिर से एक बार विजेंद्र अरबाज के लिए फुल टॉस गेंद और उसे उठाकर मारा है क्या गेंद अंपायर हमें बताना क्या डिसीजन है आउट एक फुल टॉस गेंद थी लॉलीपॉप गेंद थी उसका पूरे फायदा ना उठा पाए थे सरफराज नहीं
अरबाज और आपने विकेट को फेंक के अब उनकी जगह लेने आ रहे नए बल्लेबाज सैफ। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिला के स्कोर हो चुका है 11 रन। स्कोर अभी भी रुका हुआ 11 रन और दूसरी ओवर का भार संभालने आए नए गेंदबाज अब 13 रन हो चुके हैं, 2 रन पेनल्टी के जोड़ चुके हैं और बॉल देना है तो एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिला के स्कोर जा पहुंचा 13 रन। अब दूसरी ओवर का भार संभालने आए नए गेंदबाज स्वप्निल, एक युवा गेंदबाज है स्वप्निल। तो यहां पे मैच को जल्द से जल्द चालू करना है। अभी भी 12 गेंदे और जीत के लिए रन चाहिए 33 रन, 12 गेंदे 33। और स्ट्राइक पे है सैफ, स्वप्निल सैफ के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट मारा करने के लिए तैयार। 20-25 पैरों को रन अप लेते हुए स्वप्निल हमसे दूर भागते हुए दौड़ना चालू किया सैफ के लिए। पहली गेंद काफी दूर कर बैठे ऑफ स्टंप के बाहर, इस अतिरिक्त रन से स्कोर जा पहुंचा। पंद्रह रन यह अतिरिक्त के स्वरूप में एक रन और डिक्लेयर जोन में डिक्लेयर के स्वरूप में एक रन। इस गेंद पे 2 रन मिल चुके हैं, अभी भी 31 रन की जरूरत है। वकी स्पोर्ट मापोली को तो देखते हैं स्वप्निल सेफ के लिए शॉर्ट गेंद लेकिन काफी बाहर कर बैठे लेग स्टंप के। अरे अतिरिक्त के स्वरूप में एक रन, इस एक रन से स्कोर जा पहुंचा 16 रन। काफी खराब गेंदबाजी अभी तक कर रहे हैं, एक युवा गेंदबाज है, काफी तेज रफ्तार से ज्यादा रफ्तार से डालने की कोशिश कर रहे हैं स्वप्निल, इसलिए दिशा से भटक चुके हैं। लेकिन देखते हैं ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, शॉर्ट ऑफ गेंद और गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई एक ही रन से संतुष्ट, इसे एक ही रन से स्कोर जा पहुंचा 17 रन। आउटफील्ड थोड़ी खराब होने के कारण ज्यादा तरह से गेंद डिक्लेयर जोन में जा रही है। इस मैच का अगर जीतना है वकी स्पोर्ट मापोली को तो 2 या 3 ऊंचे स्ट्रोक खेलने की जरूरत। लेकिन सेफ एक अच्छे बल्लेबाज है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं उतने चौकर ने स्वप्निल फिर से एक बार काफी तेज रफ्तार से गेंद डालने में माहिर और गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई एक रन से स्कोर जा पहुंचा 18 रन। सेफ जैसे अच्छे बल्लेबाज को अभी तक बांध के रखा है, यहां पे टीम मीटिंग ना करनी है। फिर से एक बार स्वप्निल सेफ के लिए, तो सेफ
फिर से एक बार तैयार, फिर से शॉट गेंद उसे उठाकर मारा है, भेज दिया तारा मंडल में। ओह बढ़िया शॉट डीजे। छह रन से स्कोर तेजी से बढ़ चुका है 24 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं साहब। इसी खराब गेंद का इंतजार कर रहे थे मानो। तो स्वप्निल क्या इस गेंद पे वापसी कर पाएंगे या सेफ कुछ आनों का स्ट्रोक लगा के कुछ कर पाएंगे। फिर से एक बार भेज दिया, फुल सक्सेसफुल वंडरफुल डिलाइटफुल और छह रन काफी दूर भेज दिया गेंद को। इसे छह रन से स्कोर जा पहुंचा 30 रन। बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़ जबड़ा तोड़ बल्लेबाजी कर रहे सेठ। आप जाके अपने लय में आते हुए पूरी तरह से। अभी भी 8 गेंद और 16 रन की जरूरत। फिर से एक बार स्वप्निल राइट आर्म ओवर द विकेट सेफ के लिए। फिर से बहुत ही बढ़िया वापसी, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। तो आउट होने से पहले सेफ ने 14 रन बना के आउट हो चुके हैं और उनकी जगह लेने आए नए बल्लेबाज इरशाद। लेकिन जब तक सरफराज पूरे स्क्रीन पे मौजूद है तब तक खतरे की घंटी बजती रहेगी। मिड स्पोर्ट कवर को एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है सिद्दीक बाबे अक्सर कहते हैं ये सरफराज है ना ये कभी धोखा नहीं देते, लेकिन देखते ही इस मैच में क्या कर पाते हैं। आप जाके स्ट्राइक पे है इरशाद। इरशाद के बारे में अगर कहा जाए तो पायलट ट्रॉफी में वो मैन ऑफ द सीरीज ले चुके हैं जो 2017 में हुआ था, लेकिन वो मैच अलग था ये मैच अलग है। बहुत ही बड़े गेंद कमबैक करते हुए ब्लॉक होल में गेंद फेंकी हुई, एक रन तो बना, दूसरी कोशिश यहां पे नहीं की जा रही, एक ही रन से संतुष्ट होने बल्लेबाज। इसे एक रन से स्कोर जा पहुंचा 31 रन। तो दो ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिला के स्कोर हो चुका है 31 रन। अब 6 गेंदे और जीत के लिए रन चाहिए 15 रन। 6 गेंदे 15 रन और तीसरे ओवर का भार संभालने आए गेंदबाज विशाल काफी अनुभवी गेंदबाज है। अभी तक उन्होंने कई सारे मैचेस अपने बॉलिंग के भरोसे जीता कर दिया अपने टीम के लिए, लेकिन उतने अच्छे बल्लेबाज इरशाद अभी तक स्क्रीन पे मौजूद। 6 गेंदे जीतने के लिए रन चाहिए 15। तो देखते हैं क्या घटता और क्या बिगड़ता है इस मैच में। दोनों भी एक अच्छी टीम है, काफी नाम है इन दोनों टीम का हमारे ग्रामीण क्षेत्र में की अगर बात की जाए तो। फिर से एक बार विशाल राइट आर्म ओवर द विकेट इरशाद के लिए पहली गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई, एक ही रन से संतुष्ट। इसे एक रन से स्कोर जा पहुंचा 32 रन। अभी भी 5 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 14। 5 गेंदे 14 रन, मैच तो मानो आप गर्म पानी में चला गया है पूरी तरह से।
फिर से एक बार विशाल राइट अमोर द विकेट इर्शाद के लिए, इर्शाद बिल्कुल तैयार, फिर से लेकर रखा, उसे उठाकर मारा है, घुमाकर मारा है, क्या शॉट के लाइफ, छह रन आणि हा लागला 24 फूट उत्तुंग षटकार। बहुत ही बढ़िया गेंद, बाजी तो नहीं बोल सकते, काफी खराब गेंद, स्लोअर गेंद थी, उसे पढ़ लिया था और उसे जड़ दिया था 6 रन के लिए, इसे 6 रन से स्कोर जा पहुंचा 38 रन 38। अभी भी जीतने के लिए 4 गेंद और 8 रनों की जरूरत, कुछ भी हो सकता है इस मैच में, 4 गेंद 8 रन। विशाल एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट और यहां पे 6 रन, ओहो डाउन द ग्राउंड शॉट, ये लगा 6 स्पॉट चौका, क्या शॉट को खेला था, बहुत ही बढ़िया शॉट डाउन द ग्राउंड उठाकर मारता, इसे 6 रन से स्कोर जा पहुंचा। चलो 44 रन और अभी भी 3 गेंदों में 2 रन की जरूरत, 3 गेंदे 2 रन, अभी भी स्ट्राइक पे है इर्शाद जो काफी हैवी बन चुके हैं। फिर से एक बार, फिर से बाकी स्लो और गेंद काफी जाते हवा में, क्या गेंद के नीचे खिलाड़ी और कैच को पकड़ा, बहुत ही बढ़िया, अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, 2 गेंदे और जीतने के लिए 2 रन की जरूरत, बहुत ही बढ़िया वापसी करते हुए विशाल, 2 बड़े स्ट्रोक खाने के बाद बढ़िया वापसी करते हुए अपने टीम को वापस खींचते हुए आप जाके स्ट्राइक पे पहुंचे हैं सरफराज। देखते एक बार फिर से 2 गेंदे 2 रन, कुछ भी हो सकता है, तो इस गेंद में क्या छुपा है किसी को कुछ मालूम नहीं है, 2 बॉल और 2 रन की जरूरत, फिर से लेकर गेंद उसे उठाकर मारा है, क्या गेंद के नीचे खिलाड़ी आ पाएंगे, नहीं बिल्कुल पहुंच पाए और गेंद डिक्लेयर झोल में जाती हुई 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज, काफी बढ़िया प्रयास किया था सूरज ने। अंपायर हमें बताना है इस गेंद पे क्या हुआ है, 1 रन डिक्लेयर जोन के स्वरूप में, अभी भी मैच 1 गेंद और 1 रन। आइए वे सभी मेहमानों का पैसा वसूल, दर्शकों का पैसा वसूल होता हुआ, क्या मैच हो रहा है, 1 गेंद और जीतने के लिए 1 रन की जरूरत, पैसा वसूल मैच, नो टीम मीटिंग, किसी भी प्रकार की टीम मीटिंग ना करनी है, 1 गेंद और 1 रन की जरूरत और स्ट्राइक पे है सरफराज। तो सरफराज के लिए जितनी बाबे अक्सर कहते हैं ये जो सरफराज है ना ये कभी धोखा नहीं देते, लेकिन देखते हैं अभी क्या कर पाते हैं, 1 गेंद जीतने के लिए 1 रन की जरूरत, दिल की धड़कनें तेज करने वाला है मुकाबला, काफी संघर्ष भरा हुआ मुकाबला, कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, 1 गेंद और जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है। तो विशाल देखते हैं किस तरह की गेंद कर पाते हैं और उतने ही चौका ने सरफराज, 1 गेंद जीतने के लिए 1 रन, तो दौड़ना चालू किया सरफराज के लिए राइट ऑफ द विकेट और यहां पे हल्का सा कट करते हुए इस मैच को जीत लिया है मिस फॉर कवर ने। फल फलंच
क्या गुल तो मैन ऑफ द मैच के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा जिन्होंने अपने बल्लेबाजी से काफी बढ़िया परफॉर्म किया, वैभव कम ऑन द स्टेज। तो हार्ड लक वकी स्पोर्ट, काफी अच्छा क्रिकेट दिखाया, काफी अच्छा क्रिकेट खेला आपने।